नमस्कार, आप सभी का जनता का राज फार्मिंग में बहुत बहुत स्वागत है। एक खास चीज आज हम आपको दिखाने वाले हैं, ये है एक बेड को बनाने वाला और साथ ही साथ मल्चिंग को भी बिछाने वाला यंत्र जो देसी जुगाड़ के साथ बनाया गया है। तो हाँ परमात्मा जी, कैसे आपने बनाया है, कब बनाया है इसे? ये अभी बनाया, ये लगभग मान लीजिए अप्रैल में, और ये लगभग 1 अप्रैल का बना है। 1 अप्रैल का लोग जिस समय 1 अप्रैल को दूसरे लोगों को फूल बना रहे थे, परमात्मा देव जी जुगाड़ से एक मशीन बना रहे थे ताकि उसमें प्रॉपर बेड बन सके और मल्चिंग भी लग सके। हाँ परमात्मा जी, अब कैसे कैसे आपने बनाया? पहले तो ट्रेलर लिया आपने? हाँ, जैसे ये तो ये मेरे पास पहले ही था ट्रेलर, ठीक है। तो जैसे पपीता पपीता के बेड बनते रहे, उसके बाद इसका जे वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये पीछे वाला, जे वाला इसमें जोड़ दिया तो ये बेड मल्चिंग हो गई। पहले अकेली बेड मेकर थी, पहले केवल इतना था, पहले इतना ये हिस्सा था, इससे बेड बनते थे। एक ये से क्या बोलते हैं, ये दोनों पार्ट लगे हैं जो, ये अब कुछ भी कह लें, लोहे की चादर से पटिया बोल लेते, लोहे की चादर से लगी है और ये प्रॉपर बेड एक फॉर्म करती जाती है। ये उसको प्रेस करने के लिए होता है पीछे से, जैसे बेड को प्लान करना है ऐसे होता है। अच्छा, आ जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, तो ये प्रेस करता हुआ चला जाएगा, बेड चिकना बेड निकलेगा बिल्कुल एकदम कंप्लीट। अच्छा, बढ़िया। और उसके बाद जैसे बेड बनता चला गया तो ऊपर से ये मल्चिंग चलती चली जाएगी। ये मल्चिंग पहियों में दबा देनी है, मल्चिंग ऐसे यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से खोल लेते हैं और बंधी हुई है। ये हवा हवा चल रही होती है एकदम, तो देखिए जब से ये पड़ी है तो पड़ी है। अब ये रोल भी खराब हो रहा है, अब इतना टाइम किसी के पास नहीं है, इसको निकाल दिया जाए। अब जिसको इसको यहाँ से ले गए ऐसे, अब इस वाले के नीचे से चली जाएगी, मतलब ये यहाँ से नीचे से जाएगी और फिर पहियों में अपन दबा देंगे ऐसे। ये आएगी। अच्छा, तो ये अब ये ऐसे दब जाएगी, बस ऐसे ऐसे बन गया बेड, ऐसे कम्प्लीट हो गया। दोनों पहियों में जैसे दोनों में दब जाएगी ये, बढ़िया। ये भी दब गया, ये भी दब गया। अब जो चलेगा तो जो घूमता चला जाएगा और बेड कम्प्लीट होकर चलती चली जाएगी। ऐसे पूरी चीज से चढ़ाई थी, बढ़िया। बेड भी बनता चला गया, मल्चिंग भी लगती चली गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आप ज्यादा से ज्यादा 2-4 घंटे में चढ़ा लेते हैं। तो ये देखिए कि सामने का जो खेत सामने का दिख रहा है आपको, 3 घंटे में परमात्मा जी ने बताया कि 3 घंटे में बेड के साथ पूरी मल्चिंग। लेकिन मशीन बनाते बनाते पक्की में 4-5 दिन 6 दिन ऐसे दिन रात लग गए थे। 5-6 लोग थे लगातार, रात दिन काम किया, किसी रुका नहीं, कोई चलता रहा और ऐसे कर। लागत इसमें क्या क्या आ गई और किसान भाई बनवाना चाहे तो कैसे बनवा सकते हैं? नए सिरे से बनवाएगा तो उसको ये पड़ जाएगी लगभग 35 से 40 के आसपास। अच्छा, 35, मतलब ट्रेलर भी जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ, पूरा मटेरियल जैसे अगर नया होगा तो अगर आप कबाड़े अवाड़े से जैसे ट्रेलर कबाड़े से लेके आते हैं तो उसका लोहा आधा घट जाएगा। और ये मेरे पास पुराना एंगल पड़ा था, ये अच्छा। तारवारी वाला, तो मैंने तो ज्यादातर उसी का यूज किया जुगाड़ बगाड़ करके। और मैं 6-7 हजार का मुश्किल से मटेरियल इसमें बोल्ट पहिए दिख रहे हैं आपके और ये दो रॉड दिख रही है। मेरा खर्चा आया था करीब 9-10 हजार रुपया मिस्त्री को दिया और 5-6 हजार रुपये का जी मटेरियल लाया मैं। बाकी मेरे पास जितना लोहा लंगड़ है 90% था। जो 1.5 इंची एंगल है वो तार बारी वाले पड़े थे, 10-12 एंगल 15 एंगल थे, थोड़ा बढ़वा के बनवा दिए। तो चलिए किसान भाइयों को इस मशीन के बारे में और कायदे से जानना है, समझना है कैसे बनती है और कैसे इसका यूज़ होता है, तो परमात्मा देव जी के चैनल द ग्रेट इंडियन फार्मर पर आप जा सकते हैं और इसके बारे में सब कुछ बहुत कायदे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये बताइए, कोई लोकल का आदमी है अगर उसे बनवाना है तो कैसा संभव? यही गांव पे है वो बाबा मिस्त्री के नाम से, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, मार्केट में अगर बात करें तो यही मशीन बेड विद मल्चिंग मशीन कितने की होगी अंदाजन? मुझे इसकी टोटल जानकारी नहीं है, लेकिन वैसे 50,000 सब ऐसे पन्ने, मतलब अपन लगभग जैसे जब अपन इसको बनाएंगे तो इसका खर्चा कम से कम 35 से 40 जाना है। 35 से 40 जैसे जाएगा तो बनाने वाला 5-6 हजार रुपये 7 हजार रुपये उसकी बनवाई होगी। इसमें कम से कम 4 दिन लग जाएगा मिस्त्री को, 2 आदमी लगेंगे तो उसका लेबर खर्चा इतना तो होता ही है, तो अंदाजन 50-40-50 के आसपास ऐसे मिलती है, उतना ही पहुंच जाएगा। मतलब ये तो अपना ऐसा कि अपने पास सबको जुगाड़ का था तो अपन ने बना, जैसे आप कबाड़े अबाड़े से मटेरियल लेके आते हैं तो ये 15-16-20 हजार बन जाएगी, क्योंकि कबाड़े में आधे पे लोहा मिलता है, एंगल बंगल भी मिल जाते हैं, बहुत सारे चीज़ें बन जाती हैं, किया जा सकता है।